बड़ी गलती कर दी आपने इस केस को लेकर मिस्टर पाठक. You're right, मिस दीक्षा. गलती की है मैंने, लेकिन ये केस को लेकर नहीं. योर ऑनर, मैंने गलती की है अपने प्रतिद्वंदियों को ना पहचानने की. होता है योर ऑनर, ऐसे अनुभव होते हैं जिससे मनुष्य सीखता है. अब प्रश्न यहाँ ये उठता है योर ऑनर कि अगर सिमरन जी और डॉक्टर देशमुख इस दवा ज़ेनोलॉक्स के बारे में जानते ही नहीं, तो फिर मेरे पास इसकी चार गोलियां कहां से आई? और एक जो मैंने लैब टेस्ट के लिए भेजी थी, एक जो आपके पास है, और ये दो, ये कहां से आई है? इसका अर्थ ये है कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है. मिस्टर पाठक, ये भी आपके मोक्किल का कोई खेल ही होगा. ये गोलियां भी आपको आपके मोक्किल ने दी है ना? नहीं, आपने सुना नहीं. ये दवाइयां मुझे सिमरन जी ने दी. यही तो मेरा प्रश्न है कि अगर सिमरन जी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं, तो फिर उन्हें ये दवाइयां डॉक्टर देशमुख से मिली कैसे जो उन्होंने मुझे दी? योर ऑनर, केवल इतना ही नहीं, अद्भुत बात कि मालिनी का भाई, ये जो आरोप इन्होंने लगाया है कि इनके भाई साहब इस केस को स्थगित करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर साहिबा के पास आना, इन्हें धमकाना, इन्हें रिश्वत देने का प्रयास करना, ये समझ में आती है बात, क्योंकि ये मेरे मुक्किल के विरुद्ध है. मुझे क्यों इस केस से हटाने का प्रयास किया गया है? मैं तो इनके साथ हूं, इनके पक्ष में हूं. यस, दैट इज अ वैलिड पॉइंट. मालिनी जी, क्या आपके पास अपने भाई सतीश का कोई स्थिर चित्र है, फोटो? वैसे तो हम कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन हाँ, दो साल पहले हमारे मम्मी के बर्थडे पर हम पुणे में मिले थे. वहाँ हमने कुछ फोटोज खींची थी. मेरे सेलफोन में शायद उसकी फोटो होगी. दवे, इनका सेलफोन है मेरे पास. हाँ, ये मेरे भाई की फोटो है. ये आपके भाई सतीश? जी. योर ऑनर, इनके भाई सतीश का जो चित्र है, ये उस व्यक्ति से मेल नहीं खाता जो मेरे कार्यालय आया था मुझे धमकाने. और मुझे पूरा यकीन है, जो फोन आपको आया था, मैं जानता हूँ कि सतीश के फोन से आया था. पर कोई आपको धमकाने के लिए अपने ही सेलफोन से फोन क्यों करेगा? आपको तो पता चल जाएगा ना कि उसी का नंबर है. और जो गाड़ी और जिसमें बैठकर वो व्यक्ति मुझे धमकाने आया, वो भी सतीश नहीं होगा. योर ऑनर, स्पष्ट है, इस चित्र देख कर पता चल रहा है कि वो सतीश नहीं था. योर ऑनर, स्पष्ट हो रहा है अब कि कोई व्यक्ति है जो सतीश का नाम लेकर इस केस को रोक कर हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जिसे सिन्हा को फंसाने की कोशिश कर रहा है. मिस्टर पाठक, आपका ये कहना आसान, लेकिन जब तक उस आदमी का पता अदालत को नहीं मिल जाता, तब तक आपके क्लाइंट पर लगे सवाल अब भी बिना जवाब के. आपका केस अब भी मुश्किल में है मिस्टर पाठक. योर ऑनर, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगली सुनवाई तक ठोस प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत करूं. गुड इवनिंग सर. शट अप, ये पैसे रखो और ये केस खत्म करो. केस तो लगभग खत्म है सर. लगभग, लेकिन पूरी तरह नहीं ना. इस केडी पाठक से मुझे बहुत डर लगता है. जो भी हो, हमारी ड्रग्स ज़ेनोलॉक्स का नाम और प्रोडोल का जिक्र अदालत में नहीं आना चाहिए, चाहे उसके लिए उस औरत को फांसी क्यों ना हो जाए. समझे? यस सर. पैसे की चिंता मत करो गोहा, केडी को मरवाना भी पड़े तो हम तैयार हैं. ज़ेनोलॉक्स से जो हमारी बदनामी होगी, वो उसकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है. अंडरस्टैंड? ये लो.
अपनी बहन मालिनी को बचाने के लिए तूने प्रोसिक्यूटर में शुक्ला को फोन किया था? पैसे की लालच दी तूने? मैंने कुछ नहीं किया था सर, मैं पहले ही बोल चुका, पिछले हफ्ते मेरा फोन चोरी हो गया था और वो जो गाड़ी जो केडी सर ने देखी थी सर, सर वो नंबर प्लेट मेरा ही है लेकिन गाड़ी नहीं है मेरी सर, मुझे कोई उलझा रहा है। तेरा फोन चोरी हो गया तो तूने कंप्लेन क्यों नहीं की है? सर चार फोन है मेरे पास और कब गायब हुआ कब चोरी हुआ सर कंप्लेन नहीं कर पाया सर, भूल गया। क्या भूल गया? भूल गया सर, मेरा यकीन करिए सर, मेरा इस केस में कुछ लेना देना नहीं है, उस आदमी को पकड़िए जिसने जिसने मेरा फोन चोरी किया सर। हे सावंत, चाय पिला के जाने दे इसको। मालिनी तो जेल में ही रहना, प्लीज कभी बाहर मत आना। देखिए आप प्लीज आप धैर्य रखिए। मिस्टर पाठक, ये सारे लोग मिले हुए हैं, सिमरन, डॉक्टर देशमुख, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो आपका भाई सतीश, क्या वो गवाही देगा अदालत में? कि वो कभी गवाही नहीं देगा, वो कभी मेरा साथ नहीं देगा, वो मुझसे बहुत नफरत करता है मिस्टर पाठक। जायदाद को लेकर हमारे बीच लड़ाई हुई, वो कभी मेरी मदद नहीं करेगा। ये जो ज़ेनोलॉक्स की दवा खाती थी आप, ये दवा अभी है आपके घर में कहीं? हाँ, मेरे बाथरूम के कैबिनेट में है, लेकिन उससे क्या होगा, अदालत थोड़ी इस बात पर विश्वास करेगी कि मैंने दवाई के नशे में ही अपने पति का खून किया था। यह कोशिश तो करना पड़ेगा, घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, हो सकता है उन सीसीटीवी कैमरास के फुटेज में आप दवाई खाती हुई दिखी हो और दवाई खाने के बाद जो जो आप हरकतें करती हैं वो कुछ तो करना पड़ेगा, कोर्ट में साबित तो करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए सर, मुझे बचा लीजिए प्लीज। पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आप धैर्य बनाए रखिए। सर आपने देखा, जिस दिन वेदांत का मर्डर हुआ उसी सुबह मालिनी ने दो गोलियां ज़ेनोलॉक्स से खाई। आप कह रहे हैं तो मतलब, लेकिन एक तो फुटेज इतना धुंधा है, ऊपर से ब्लैक एंड व्हाइट, अदालत में साबित कैसे करेंगे कि ये ज़ेनोलॉक्स की गोली खा रही है? मतलब हो सकता है सर्दी खांसी, यू नो व्हाट आई मीन, ये ज़ेनोलॉक्स ही है, ये कैसे साबित करेंगे? दिखाई नहीं दे रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है हमारा वक्त ही खराब चल रहा है। अरे वक्त से याद है, मेरी घड़ी गुम हो गई, मैं सोच ही रहा था कि ऑनलाइन नई घड़ी खरीदूंगा, देखता हूँ कुछ। सर कमाल है सर, हमने गोली का लैब टेस्ट करवाया जिसमें साफ पता चल रहा है कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो माइंड को इफेक्ट करते हैं, उसके बाद भी अदालत आपको बिलीव नहीं कर। क्या करें वरुण, अदालत साक्षी और साक्ष्य में मानता है, बस प्रमाण पेश करना पड़ेगा। ये घड़ी अच्छी है, ये तो जोड़े में है, मैं फीमेल वॉच किसको दूंगा, सिंगल ढूंढना पड़ेगा। पर कौन हो सकता है, सिमरन और डॉक्टर देशमुख तो साफ मुकर है, पता नहीं उन पे किसका दबाव है। वरुण देख, सिमरन के पास वो गोली आई है, किसी के द्वारा तो आई हो, गोली तो डॉक्टर ही देता है, सिमरन के डॉक्टर को बता कर और जरा बातचीत कर, और जब बातचीत करेगा तो इसे समझ गया ना। देखिए मिस्टर वरुण, मैं समझ सकता हूँ कि क्यों अदालत ने डॉक्टर देशमुख और सिमरन ने ज़ेनोलॉक्स को मानने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? आपने
प्रोडोल का नाम सुना है? किसके बारे में? प्रोडोल। प्रोडोल इंडिया की सबसे बड़ी ड्रग कंपनी। जी हाँ, असल में ज़ेनोलॉक्स का उत्पादन वही कर, और अगर कोई अदालत में ये साबित कर दे कि प्रोडोल की बनाई हुई ये ड्रग हानिकारक है, तो न सिर्फ उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा बल्कि बहुत गहरी मानहानि भी होगी, जिसका सीधा असर उनकी बाकी दवाइयों के सेल्स पर पड़ेगा। बेसिकली उनकी पूरी मार्केट इमेज गिर जाएगी सर। हाँ, इसका मतलब ये सर कि अपनी सालों की बनाई हुई करोड़ों अरबों रुपये की मार्केट इमेज को बचाने के लिए प्रोडोल कुछ भी करेगी। वो एक क्या 10 डॉक्टर देशमुख और सिमरन को खरीद सकती है, धमका भी सकती है। इसलिए सर, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन जो दवा मार्केट में आई नहीं, वो आपने सिमरन को क्यों दी? टेस्टिंग के लिए। असल में प्रोडोल कंपनी हम डॉक्टर्स को कुछ सैंपल्स देती है जो हम अपने पेशेंट्स पे टेस्ट करते हैं, ताकि उनके नतीजे देखकर वो अपनी दवाइयों को परफेक्ट बना सके। एक मिनट, टेस्टिंग के लिए? ये तो गैर कानूनी है, आप लोगों का इस्तेमाल कर। तभी तो मैं इस बारे में खुलकर अदालत में बात नहीं कर सकता हूँ सर। देखिए, आई एम सॉरी, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज़। और हाँ, जो भी मैंने आपको ज़ेनोलॉक्स के बारे में बताया है वो सिर्फ इस कमरे तक, बाहर नहीं सर, प्लीज। वैसे डॉक्टर नायडू कहना पड़ेगा, वीडियो में हैंडसम लग रहे हैं आप। सर, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं सर? ये तो गैर कानूनी है सर। आप क्या कानूनी और गैर कानूनी की बात कर रहे हैं? ये जो आपने किया, क्या वो कानूनी है? एक मल्टीनेशनल ड्रग कंपनी से रुपए लेकर, रिश्वत लेकर आपने उनके ड्रग का उपयोग अपने पेशेंट पर किया, उसे बकरा बनाकर, क्या ये कानून के दायरे में? हाँ, तो ये तो अदालत में उठेगी बात, तो न्यायाधीश महोदय बताएंगे। अरे नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज सर, आप अदालत को इसमें क्यों डाल रहे हैं सर? आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन प्लीज सर, आप लोग इस मैटर को बाहर मत जाने दीजिए सर, मेरा तो लाइसेंस छिन जाएगा सर। मतलब आपका लाइसेंस छिन जाएगा, आपको तकलीफ होगी, और आपके किए की वजह से जो जिंदगी छीन रही है उनकी, उसका कुछ नहीं? बोलिए, कोई उत्तर है आपके पास इसका? ठीक है सर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रोडोल और ज़ेनोलॉक्स को एक्सपोज करने में आपकी मदद करूँगा। क्षमा करना केडी, तुम इस केस को छोड़ोगे नहीं तो तुम्हें यह दुनिया छोड़नी पड़ेगी। गुड बाय। हाथ तेरे की। हेलो हेलो, हाँ गोवा, कहाँ हो तुम? बिजी हूँ, बाद में फोन करता। नहीं, बाद में टाइम नहीं है, मुझे ज़ेनोलॉक्स चाहिए अभी। तेरे की। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। देखो, मामला गर्म है, बॉस ने ज़ेनोलॉक्स की सप्लाई को बंद करने के लिए कहा है। क्यों चाहिए ज़ेनोलॉक्स? हुआ, मेरे पास जर्मनी की 2 पार्टी है और वो करोड़ों रुपए दे सकती है, तुम्हारे पास कुछ तो गोलियां होंगी ज़ेनोलॉक्स की देने के लिए। है, लेकिन प्रोडोल वालों ने कहा है कि। अरे यार, प्रोडोल वालों को कैसे पता चलेगा कि तुमने वो गोलियां मुझे बेचनी है? वहां मैं तुम्हें कम से कम 70 लाख रुपए दे सकता हूँ, सोचो तो सही। 70 लाख? हाँ, ठीक है, हम वहीं पे मिलेंगे, लेकिन पैसे एडवांस में, ओके? हाँ हाँ, ठीक है सर। आज तो और जीले केडी, आज मैं पैसे कमा लेता हूं, कल तुम अपनी जिंदगी गवा देना। सुनो, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल बिहेव करो। वो देखो आ गया।
कैसे हो डॉक्टर? ठीक हूँ। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। पैसे लाए हो? मेरी माँ कहती थी डॉक्टर बन, मैं पढ़ने में कमजोर था इसलिए डॉक्टर के बदले में एमआर बन गया। दवा के कारोबार में डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमाता हूँ। ये रहा तुम्हारा ज़ेनोलॉक्स, ये हमारा आखिरी स्टॉक है, संभाल के खर्च करना। नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। ब्रो गो, ब्रो गो। Good job, Bruno. जज साहब, मैं सब कुछ बोलने को तैयार हूं। मैं प्रोडोल के चीफ मैनेजर मिस्टर बख्शी के लिए काम कर रहा था। मैं एक मिडल मैन, उनके ड्रग्स को मैं डॉक्टर के पास ले जाता था। वो ये ड्रग पेशेंट्स को देते थे। ज़ेनोलॉक्स पूरी तरह से तैयार नहीं थी, फिर भी हमने इसकी टेस्टिंग के लिए डॉक्टर नायडू द्वारा, सिमरन जी और डॉक्टर देशमुख के थ्रू मालिनी को चुना। लेकिन वन सेक, सिमरन ने तो कहा था कि उसने इस ड्रग के बारे में कभी सुना ही नहीं। फिर क्योंकि मैंने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अदालत में सच बोला तो मैं उनकी बेटी को अगवा कर लूंगा। योर ऑनर, इसी प्रकार से इन्होंने डॉक्टर देशमुख को डराया, धमकाया, अदालत में झूठ बोलने को उकसाया कि उन्हें उस दवा के बारे में कुछ नहीं पता और वो दवा उन्होंने मिस्टर सिन्हा को नहीं दी, जबकि सत्य तो ये है कि सर, ये मिस्टर गोवा ने ज़ेनोलॉक्स की गोलियां लाकर मुझे दी। ये काफ़ी खतरनाक ड्रग्स है सर, पेशेंट इसे लेते ही अपने दिमाग पर काबू खो बैठता है। ये बहुत ही खराब ड्रग है सर। ये कैसा नशा है जो आपके होश हवास उड़ा देता है? आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं सर। मेरे साथ ऐसा हुआ है और मालिनी के साथ भी। मालिनी ने अनजाने में ड्रग के नशे में विदान की जान ले ली। लेकिन एक और क्वेश्चन है, वो मालिनी का भाई सतीश, उसकी सेलफोन की बात कर रही है। नहीं, वो सेलफोन गुहा ने चुराया था और उस सेलफोन से आपको फोन किया गया ताकि सबको ये लगे कि आपको धमकियां सतीश दे रहा है। और वो गाड़ी और ऑनर, वो गाड़ी और नंबर प्लेट दोनों नकली, पुलिस को गुमराह करने के, अदालत को गुमराह करने के, ताकि अदालत में ये बात स्थापित हो कि मालिनी और सतीश दोनों मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था। तो योर ऑनर, ये की सजा तो प्रोडोल के चीफ मिस्टर बख्शी को ही मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मिस्टर बख्शी। योर ऑनर, कौन कहता है कि पुलिस हमेशा देर से आती है? सही समय पर आए हो दादा, आप बैठिए। बख्शी साहब आइए। मैं आपको बताना चाहता हूं बख्शी साहब कि ये जो मिसेस सिन्हा को आपने अपने अनुसंधान का पात्र बनाया, इन्हें निशाना बनाया, ज़ेनोलॉक ड्रग का प्रयोग इन पर किया, इसके कारण न केवल इनकी, इनका पूरा परिवार नष्ट हो गया, जीवन असफल हो गया। अब इसकी सजा आपको जितनी ज्यादा मिले उतनी कम है। तो डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। जिसमें गुहा के बयान के बाद अदालत ये जान गई है कि ये सारा षड्यंत्र प्रोडोल कंपनी का रचा हुआ है
अनजाने में जिसका शिकार बनी है मिसेज मालिनी सिन्हा। ज़ेनोलॉक्स की वजह से उन्होंने अपने पति वेदांत सिन्हा की जान ली, उस ड्रग के नशे जिसमें उनका कोई कसूर नहीं। लिहाजा ये अदालत मिस्टर बख्शी, मिस्टर गोहा, डॉक्टर देशमुख और डॉक्टर नायडू को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिसेज मालिनी सिन्हा को उनके पति वेदांत सिन्हा के कत्ल के जुर्म से बाइज्जत बरी करती है और हुक्म देती है कि उन्हें फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। केस इज क्लोज। क्या खेल रचा है मालिनी ने। लगता है केस खत्म नहीं हुआ। मिस्टर पाठक, ये आपकी फीस। थैंक यू। वैसे ये फीस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। वेलकम। तो अब मैं चलती हूँ। अरे हाँ मिस्टर पाठक, मैं मनाली जा रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। आप मनाली जा रहे हैं? जी, सोचा कि जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया है तो एक आध महीने के लिए कहीं बाहर चले जाऊं, ताकि अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेट सकूं। अच्छा अच्छा अच्छा, कब? अगले संडे। हैव अ गुड ट्रिप। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कांग्रेचुलेशन सर, केस जीतने के लिए। सर मैं तो कहता हूँ कि इससे पहले कोई नया केस आए आप छुट्टी पे कहीं चले जाए। क्यों तू मुझे छुट्टी पे भेजना चाहता है, ताकि तुझे भी छुट्टी मिले? कोई छुट्टी उट्टी मिलने नहीं वाली, क्योंकि ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। सर अब किसका केस? अरे ये केस है ना, चल ही रहा है, डॉक्टर नायडू। सर डॉक्टर नायडू को तो बेल मिल गई, इनफैक्ट वो एक महीने के लिए कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में जा रहे? विचित्र बात है, उन्होंने कोई और लॉयर कर लिया बताया तक नहीं। हाँ सर, ये बात भी मुझे दवे ने बताई। क्या बता रहा था दवे? सर अगले संडे जा रहे, पता नहीं कहाँ। अच्छा, क्या बात है। और सब संडे को ही बाहर जा रहे हैं मुंबई से? मैं मनाली जा रही हूँ अगले संडे। भाई संडे, एक नंबर के बेवकूफ, गधे और इडियट हो तुम। मैंने बोला था ये जीप पाठक को मार डाल, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लालच सूझी थी। खुद तो फंसे और मुझे भी, मेरी पूरी कंपनी बंद करवाओगे तुम। सर क्या करें, केडी पाठक का कुछ नसीब ही ऐसा है कि। लीजिए आ गए जनाब। तुम अब भी कुछ करना बाकी? अंदर तो भेज दिया हमें, इस बार आपको बाहर निकलना है। मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक तो मैं कम ही करता हूँ। मैं आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। केस कर दूंगा उस औरत मालिनी पर, जिसकी वजह से मेरा करोड़ों का बिजनेस खतरे में है। I'll see you back in high court, Mr. KD पाठक। गुड, यही तो मैं चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं अदालत में। दीदी। हाँ, आपसे कोई मिस्टर खान मिलने आए हैं। मिस्टर खान? अच्छा चलो। जी आप? मेरा नाम एडवोकेट खान है। रिडॉल के चीफ मिस्टर बख्शी ने मुझे हायर किया है एक केस लड़ने के लिए आपके खिलाफ। मेरे खिलाफ? जी। लेकिन मैं तो केस जीत गई हूँ और बेगुनाह भी साबित हो गई हूँ। आप केस जीत चुकी थी, अब उनकी बारी, इसीलिए उन्होंने आपके खिलाफ दावा किया है कोर्ट में। ये रहे कोर्ट के समन्स, इस शुक्रवार को हियरिंग है।
गुड लक टू यू। लीगल समन्स है आपके नाम, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब उसका करोड़ों का व्यवसाय है, चुप तो वो बैठेगा नहीं। वो हर प्रयास करेगा अपने आप को सच्चा और आपको झूठा साबित करने का। हाँ, लेकिन वो करेगा क्या? आप ही ने तो पिछली अदालत में साबित किया था ना कि ज़ेनोलॉक्स को गैर कानूनी तरीके से मुझ तक पहुँचाया गया था। हाँ, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अदालत में ज़ेनोलॉक्स के साइड इफेक्ट्स को लेकर तर्क वितर्क होगा। वैसे जाने से पहले ये आपका चेक जो आपने मुझे दिया था, ये रख लीजिए। ये क्यों? नहीं, अब केस जो है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। समापन के पहले आपसे रुपए लेना, ये मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। एक बार सब कुछ सामने आ जाए, सत्य सामने आ जाए, उसके बाद ले लूँगा। शीघ्रता क्या है। थैंक यू मिस्टर पाठक, आप मेरी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगी। क्या करना होगा मुझे? हाँ, अभी करना क्या है, अदालत के आधे घंटे पहले बताऊंगा। ये लीजिए आपकी ज़ेनोलॉक्स की दवा। केडी, ये ज़ेनोलॉक्स तुम इन्हें क्यों दे रहे हो? हाँ, मैं दे रहा हूँ इन्हें, इसका कारण तुम्हें अदालत में बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने दे रहा हूँ, तुम्हें साक्षी रख। बस याद रखना कि अदालत शुरू होने के आधे घंटे पहले मैंने इन्हें यह दवा दी थी। प्लीज। अब याद रखना, जब प्रोडोल के वकील खान साहब आएंगे तब वो जो आपने मेरा नाम लिया मिस्टर पाठक और मैं हाजिर हो गया। मिस्टर पाठक, आपने उर्मी डिक्सिट को तो हरा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। अपने सामने वाला वकील को इतनी बुरी तरह पछाड़ता हूं कि उन्हें पानी तक नसीब नहीं हो। अरे बाप रे बाप। वैसे इस समय मुझे लग रहा है आपको पानी की बहुत आवश्यकता है। थोड़ा दिमाग गर्म है आपके, लीजिए पानी पीजिए, थोड़ा ठंडा कीजिए, अदालत शुरू होने वाला है। शुक्रिया। ऑनर, मेरे मौकिल अरविंद बख्शी पर लगाया हुआ इल्जाम गलत है। मिसेस मालिनी सिन्हा के जरिए किए गए इनके पति के खून में प्रोडोल या ज़ेनोलॉक्स दवा का कोई हाथ नहीं। हाँ साहब, आप समझदारी भूल रहे हैं कि अदालत में फॉरेंसिक रिपोर्ट द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है कि ज़ेनोलॉक्स ड्रग की साइड इफेक्ट वो बहुत ही उग्र और खतरनाक है। मैं भी मानता हूँ योर ऑनर कि ज़ेनोलॉक्स का साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये दवा अभी तक परफेक्ट नहीं की गई, लेकिन साइड इफेक्ट्स इतने खतरनाक नहीं है मिस्टर पाठक जितना के आप बयान कर रहे हैं। बहुत विचित्र बात है कि हत्या आपको खतरनाक लगती है। हत्या इन्होंने खुद की है और इल्जाम लगा रही है एक छोटी सी गोली पर। मेरा यकीन मानिए, इस गोली का मुझ पर सचमुच गहरा असर होता है। आप ये कहना चाहते हैं कि मालिनी जी ने उस दवा की आड़ में अपने पति को मारा, उनकी हत्या की और दोष दवा पर डाला? ये बिल्कुल सही मिस्टर पाठक। योर ऑनर, जब कोई शख्स गाड़ी से एक्सीडेंट करता है तो इल्जाम हमेशा गाड़ी के ब्रेक्स पर लगाता है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ मामला है। मिसेस सिन्हा, अपने पति के कत्ल करने का अच्छा बहाना चुना आपने। मैंने कोई बहाना नहीं चुना, मैंने सच में कोई बहाना नहीं चुना, मैंने कोई बहाना नहीं चुना। आप शांत हो जाइए। योर ऑनर, मैं जानता था कि खान साहब अदालत में कुछ ऐसा ही करेंगे, इनके क्लाइंट के ड्रग ज़ेनोलॉक्स को बचाने के लिए ऐसा कोई पैंतरा चलेंगे, और इसका बंदोबस्त मैं अदालत शुरू होने से पहले ही करके आया। योर ऑनर, इस अदालत के प्रारंभ के आधे घंटे पूर्व हमने मिसेस मालिनी सिन्हा को ज़ेनोलॉक्स दवा दी। ऑफकोर्स पुलिस और इंस्पेक्टर दवे के निरीक्षण, ताकि अदालत स्वयं देखे कि ज़ेनोलॉक्स दवा कितना उग्र खतरनाक साइड इफेक्ट। ये आप कैसे कर सकते हैं मिस्टर पाठक? आपको मुझे बताना चाहिए था। बताया होता तो क्या होता? नहीं, होता कुछ नहीं मिस्टर पाठक, लेकिन बिना वजह किसी को ज़ेनोलॉक्स गोली देना, क्योंकि
मिसेस सिन्हा प्लीज गो बैक इनसाइड। Mr. Pathak, what is this? ये मैं क्या कर रही थी? Your Honor, यही है Zanolox drug का side effect. ये अपने प्राण लेने का प्रयास कर रही थी, उन्हें याद तक नहीं। आप प्लीज मालनी के अंदर जाए। Your Honor, हम ये कैसे मान लें कि इन्होंने Zanolox दवा ली है या ये एक्टिंग कर रही है? मैंने कहा ना खास सवाल, इंस्पेक्टर दवे इस बात के गवाह हैं कि हमने मालिनी जी को Zanolox दवा दी। ओके ओके मिस्टर पाठक, Your Honor, मान लेते हैं कि इन्होंने वाकई में Zanolox दवाई खाई, लेकिन वाकई उस दवा का असर इन पे हुआ है या ये एक्टिंग कर रही है, ये बात आप कैसे साबित करेंगे मिस्टर पाठक? देखा, कर दिया ना इन्हें चुप। मिस्टर खान, ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर खान, हाँ साहब, हाँ साहब, क्या भूख लगी है आपको? Your Honor, I'm extremely sorry. ये खाना कोर्ट में नहीं, आपको अदालत से क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए Your Honor, मैंने जो किया उसके चलते इनके साथ ये हुआ। ये जो है Your Honor, ये Zanolox दवा का साइड इफेक्ट का प्रभाव है जो मैंने अदालत के आरंभ में इन्हें खिलाया था। मिस्टर पाठक, मैंने तो कोई गोली नहीं खाई। अब फिर से क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको खिलाया नहीं था, आपको पिलाया था। आपको याद है अदालत आरंभ होने से पहले मैंने आपको पानी पिलाया था, उस पानी में मैंने वो Zanolox ड्रग घोल कर मिला दिया था, आपको पता भी नहीं चला। बट प्लीज एक्सप्लेन के आपने वो दवा मुझे दी क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि आप मालिनी पर आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि ये Zanolox का साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं चाहता था कि आप स्वयं इसका आभास करें, आपको महसूस हो कि क्या होता है Zanolox का प्रभाव। मिस्टर पाठक जी, आपने तो सचमुच साबित कर दिया कि ये जो हो रहा है वो ड्रग का असर है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मिसेस मालिनी सिन्हा के साथ जो हुआ है वो बनावटी नहीं, असली था। और तो और, ऐसी हालत में वो अपने पति की भी हत्या कर सकती हैं। ये सब Zanolox का असर है। वेल डन मिस्टर पाठक। धन्यवाद Your Honor, लेकिन अब भी एक कष्ट है मुझे। कष्ट ये है Your Honor की अदालत शुरू होने से पूर्व मेरे पास केवल एक ही Zanolox की गोली थी जो मैंने खान साहब को पानी में घोल कर पिलाई। मतलब ये Your Honor, मालिनी जी को मैंने कोई दवा दी जी को मैंने कोई दवा दी अदालत शुरू होने से पूर्व मेरे पास केवल एक ही Zanolox की गोली थी जो मैंने खान साहब को पानी में घोल कर पिलाई। मतलब ये Your Honor, मालिनी जी को मैंने कोई दवा दी जी को मैंने कोई दवा दी ऑर्डर। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर पाठक? आपने तो मुझे इंस्पेक्टर दवे के सामने गोली दी थी। हाँ नहीं, मैंने गोली तो दी थी आप, लेकिन वो Zanolox की गोली नहीं, Zanolox की तरह दिखने वाली गोली थी, विटामिन सी की गोली। क्या?
विटामिन सी? जी मिस्टर पाठक, विटामिन की गोली का इतना बड़ा असर? बड़ा असर नहीं खासा, झूठा आप सही थे। वास्तव में माननी जी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है। आज भी योर ऑनर अदालत में जो कुछ भी इन्होंने किया, अपनी कलाही को काटने का प्रयास किया, ये सब एक ढोंग था। बिल्कुल उस ढोंग की तरह योर ऑनर, जो इन्होंने उस दिन किया अपने पति की हत्या करने के बाद। इन्होंने अपने पति की हत्या जानबूझकर की है योर ऑनर, ज़ेनोलॉक्स दवा की आड़। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन मिस्टर पाठक, आप तो मेरी तरफ से हैं। नहीं नहीं, मैं आपकी तरफ नहीं, मैं तो सिर्फ सत्य की तरफ जानता हूँ। इसका मतलब आपने धोखा दिया? धोखा मैंने नहीं मालिनी, धोखा तो आपने दिया है, मुझे नहीं अदालत को। ये जताकर कि आपने अपने पति की हत्या ज़ेनोलॉक्स के साइड इफेक्ट के चलते की, जबकि ऐसा नहीं। अब क्या करें, लोहे को लोहे से काटना पड़ा। वाह मिस्टर पाठक, तभी आपने मिस्टर बख्शी को उकसाया कि वो हाई कोर्ट में अपील करे ताकि आप इन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। वाह मिस्टर पाठक, आपने तो बाजी मार अपना जीता हुआ केस हार। नहीं नहीं मिस्टर पाठक, झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने पति को नहीं मारा है, वो एक हादसा था जैसा, वो एक हादसा था। अब हादसा क्या है, हकीकत क्या है, नाटक क्या है, वास्तविकता क्या है, ये सब कुछ ही क्षणों में बाहर आ जाएगा। ये पूरा रहस्य उस षड्यंत्र का, जिसकी खिलाड़ी केवल आप नहीं, आपके प्रेमी मिस्टर हेमंत नायडू भी। योर ऑनर, मैं स्वयं के लिए घड़ी ढूंढ रहा था ऑनलाइन, और मैंने देखा कि घड़ी के जोड़े होते हैं तो अक्सर पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका खरीदते हैं। वैसे ही घड़ी के एक जोड़े में से एक घड़ी मैंने इनकी कलाई पर देखी। और दूसरी मालिनी जी की कलाई पर। मुझे तब लगा कि योगवश ऐसा हुआ हो, पर मेरा संदेह विश्वास में तब बदला जब मुझे यह पता चला मालिनी जी के ट्रैवल एजेंट से कि बड़ी चतुरता से नायडू साहब और मालिनी जी ने अलग अलग मनाली की टिकट बुक करवाई। केस जीतने की खुशी में दोनों एक साथ छुट्टी पर जाना चाहते थे मनाली, टिकट तो अलग अलग बुक करवाई और उन्होंने, किंतु होटल का कमरा केवल एक। अब इन्हें सुनने को कुछ रहा नहीं नायडू साहब, आगे भी प्रमाणित कर सकता हूँ, अगर आप अपराध स्वीकार करें तो संभव है कि न्यायाधीश महोदय आप पर कृपा बना दें। क्या करना चाहेंगे? जी हाँ योर ऑनर, मैंने और मालिनी, हम दोनों ने मिलकर वेदांत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। मैंने पहले सिमरन को ज़ेनोलॉक्स दी थी ताकि वो उस बारे में मालिनी को बता दे, और मालिनी को मैंने ज़ेनोलॉक्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में पहले ही बता दिया था ताकि उसकी आड़ में वो अभिनय कर सके और अपने पति की जान ले सके। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिसिस मालिनी सिन्हा को अपने पति वेदांत की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, और डॉक्टर नायडू को उनका साथ देने के लिए 7 साल की सजा सुनाती है, और साथ ही मिस्टर बख्शी, मिस्टर गुहा और डॉक्टर देशमुख को गैर कानूनी रूप से दवाइयों की सप्लाई करने के कारण उन पर अलग से केस चलाने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। बहुत बहुत मुबारक, मैं आपसे बहुत मुतासर हूँ, सच्चाई की खातिर अपना जीता हुआ केस आप हार गए। क्या करें खान साहब, सच्चाई के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और किसी विशेष व्यक्ति ने कभी कहा था
हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.